है, टीम सोल के पास रिचेस हैं, स्मोक्स का यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, गॉडलाइक को भी बदल रहे हैं, अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, नहीं ब्लाइंड रश डायरेक्ट टीम सोल के ऊपर। एक बार फिर से टीम सोल और टीम गॉडलाइक दोनों आमने सामने की, यार क्या तो क्लच देखने को मिलते हैं इसमें, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा भाई। एस पावर का यहाँ पे गन बोलता नहीं दहाड़ता है, आप लोग मैच के एंड तक बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कल में काफी और रोटेशन यहाँ पे जो है टीम्स की तरफ से हमें आई दे रही है, एंड द रीजन हम बोल रहे हैं सोल वर्सेस गॉडलाइक हो सकता है क्योंकि दोनों टीम्स को देखिए कितना ज्यादा नजदीक आ चुके एक दूसरे को। जोनाथन काफी ज्यादा ओपन में, एस पावर काफी ओपन में, कट ऑफ हो सकते हैं, रोटेशन चेज हो सकते हैं, आई थिंक ऑलरेडी सोल उनको चेज कर रही है। ओह क्या ये सीधा स्लैम जाने वाला है, दो खिलाड़ी आपको बहुत ज्यादा आगे जाते हुए दिखा दी, बट टीम गॉडलाइक वो आपको आगे निकलते हुए दिखा दी, बट नहीं वो गॉब्लिन के ऊपर चार्ज करते नजर आ गए, जी गॉड सामने से उन्होंने गाड़ी लड़ा दी, बट ओमेगा उन्होंने कोशिश की, बट जी गॉड के डाउन किए जाएंगे, नियो ओमेगा को उन्होंने समाप्त किया, बट जी गॉड जिस तरीके से व्हीकल लेके वो आगे से आए और उन्होंने व्हीकल को रोक दिया ओमेगा के, काफी बेहतरीन मुकाबला ये चलता हुआ टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल के बीच में। आईजीएल टीम सोल के एलिमिनेट हो चुके हैं और अब टीम गॉडलाइक चार खिलाड़ियों के साथ और टीम सोल अब तीन के साथ, एक खिलाड़ी है एस पावर जिनको थोड़ा डैमेज पड़ा, अपने आप को हील करेंगे, बट रीप्ले में शैडो अभी भी देखना बाकी, जिस तरीके से जी गॉड आए और आगे उन्होंने व्हीकल को लगा दिया, वो निकलने नहीं दिया गया उनको, देखना ये कि जो नेक्स्ट सर्कल है वो भी इन्हीं के पास ही है। आप देखें सी गॉड आए और ओमेगा के बग्गी के सामने वो गाड़ी लगा दी और इसी के साथ ओमेगा सबसे पहले इस मुकाबले से बाहर। यहाँ ओमेगा तो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बट पीछे से देखिए एक्सनोर का स्क्वाड भी आ रहा था जो यहाँ पे इस फाइट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, काफी अच्छे रोटेशन लेके निकल गए। अभी भी देखिए टीम सोल के पास रिजेस हैं, स्मोक्स का यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, टीम गॉडलाइक को भी बदले अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, नहीं ब्लाइंड रश डायरेक्ट टीम सोल के ऊपर, देखना ये कि टीम सोल के ऊपर उन्होंने रश किया, गॉब्लिन वहां पे मौजूद है, बट वहां पे उन्होंने नियो को डाउन किया, हेक्टर वो भी डाउन किया, गॉब्लिन वो शायद आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, जी नहीं एक और खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, अक्षत थे, उन्होंने कोशिश किया एक को डाउन किया, जी गॉड नॉक पड़े होते, बड़े पावर तीन फ्रैग्स उन्होंने निकाले, 1v3 किया उन्होंने टीम सोल को, टीम गॉड लाइक एक बार फिर से एक और बढ़िया मुकाबला एलिमिनेट किया टीम सोल को, और ये पुश और ये एस पावर का गेम प्ले। एस पावर ये खिलाड़ी जितना यंग है ना उतना ही उम्दा इसका गेम प्ले है, 1v3 करना इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को लॉबी में बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गॉडलाइक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा सा एक डाउन फेज चल रहा था, बट जब भी एक्सपीरियंस टीम का डाउन फेज चलता है उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका कमबैक रहता है, एंड वही चीज यहाँ पे आज गॉडलाइक करके दिखाते हुए